प्रभावस्थांगदो विवाय स्मरित पुंडरीकाक्षं सभाय अभ्यंतरः श्री पुनादुनः पुंडरीकाक्षः पुनातु ओं माधवाय नमः ओं केशवाय नमः ओं नारायणाय नमः ओं ऋषिकेशाय नमः हस्तं प्रक्षालयम् श्रीकंठो वृषभध्वजो हरभो गंगाधर त्र्यंबक श्रीरुद्र सुर वृंद वंदितपद कुर्यात् सदा मंगलम् सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुः गडाध्यक्षो बालचग्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्व लोके सर्वक्षाकरं प्रणाम्यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मवाचस्ति गुहेतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देवचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रीति महेत्संस्थातु चामुण्डा बाराही महिषासना ऐन्द्रिगस्समारुणा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरं शोभाढ्यां नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा देव्या क्रोध समाकुला शंखचक्रं गदां शक्तिमहलं च मूसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारंगमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानित्तं देवानां च हिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि विष्णुविद्धा एवं दस दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे चागृतः रक्षेत् विजया पातु पृष्ठता अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतनी रक्षेत् मामूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेत् यशस्विनी त्रेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये दन्तान् रक्षत् कौमारी कण्ठदेशे चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामायास्तारुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवाय नाभोज कामनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरित्था भूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिष्वाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत् सर्वकाम प्रदायिनी गुल्फ्यो नारसिंहित पाद पृष्ठेत तस्सी पादांगुली सुरक्षेत् पादस्थलवासिनी नखां दष्टाकराली च केशांश्च ऊर्ध्वकेशिनी रोमकूपेश गोवेरी वेदांसी पार्वती यंत्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफेजूढामणिस्तदा ज्वालामुखी नखज्ज्वाला वेद्यां सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माण्डमे रक्षेत् छायां छत्रिषु अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षन् मे धर्मधारिणी प्राणापानोत्थाव्यानग्निस्तुमस्तुमस्यैव रक्षेन् नारायणीस्ता आय रक्षतु बाराय धन रक्षतु वैष्णवी यशा कीर्ति लक्ष्मी च धनं विद्यां चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्षण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी रक्षाहीनं तत्रार्थलाभश्च विजय सारोगामिक यम यम चिंतयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर मतलं प्राप्स्ते भूतले भवान् निर्वियोजयते मर्त्य संग्रामे स्वराजित त्रैलोक्ये द्वैत पूज्य गौचना वृता भवान् तं देव्या गौचं देवानां दृढोम यपठेत् प्रयत्न तंत्र संधन सद्ध्यान तं देवेश्वर वेत्तस्य त्रैलोक्ये स्वराजित जीवित वर्ष तं सांग्रस मृत्यु शोभदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तंत्रिक्षरा गौरा डाकिनी निश्चय महाबला ग्रह भूत पिशाचक्षक यक्ष गंधर्व राक्ष ब्रह्म रात्रपौत्र की देहांते परम स्थान में सुर दुर्लभ प्राप्त पुरुषो नित्य महामाया प्रसाद लभते परम रूपम शिवेन समोति यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धन धर तत्र श्री विजय और भूति आइए सर बूम लगे अपना नाम पहले बता दीजिए किस तरह से फिल्म से जुड़े हुए हैं। हाँ, मेरा नाम हिरेश गिरकर है और ये मेरी पहली मराठी फिल्म है खतरनाक पेशा। और आप डायरेक्टर हैं? हाँ,
मैं डायरेक्टर हूँ और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इस फिल्म को। क्या सब्जेक्ट है फिल्म का? सब्जेक्ट नॉर्मली क्या है, आतंकवाद के ऊपर का सब्जेक्ट है इस फिल्म में। और जैसे कि देखा गया है कि अभी जैसे आतंकवाद का जो बढ़ावा होते जा रहा है, जिससे कि दहशत फैली हुई है लोगों में, काफ़ी सारा डर महसूस हुआ है। और उसी सिलसिले में हम लोगों ने वो डर को मिटाने के लिए इस फिल्म में हम लोगों ने बच्चों के माध्यम से वो फिल्म को, हम लोगों ने कहानी को उस तरीके से ढांचे में डाला हुआ है, जैसे कि अगर कोई आतंकवादी या आतंकवाद होता है अपने देश में या दहशत निर्माण पैदा करने की कोशिश करता है, तो उसके हम कैसे सामना करें और कैसे इस आतंकवाद को इस देश से जड़ से मिटाएं। अच्छा, आज जो गाना रिकॉर्ड हुआ है उसके बारे में बताइए। ये गाना हमारा तो शुरुआती तौर पे जैसे गणेश स्टार्टिंग से है, तो गणेश पूजन के हिसाब से हम लोगों ने गणपति जी का गाना रखा है और काफ़ी बढ़िया अच्छे तरीके से हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर और लिरिक्स गीतकार हमारे जो ओम जी हैं, उन्होंने बहुत प्यार से उनको मतलब इस लिरिक्स को लिखा है और काफ़ी अच्छे तरीके से। और जो हमारे सिंगर है जो आदर्श शिंदे जी, जो विख्यात है, जिनका नाम बहुत बड़ा है, उन्होंने इस गाने को अपनी आवाज़ देके बहुत बड़ा मतलब दर्जा दिया हुआ है। हेलो, मेरा नाम अंजलि है और खतरनाक दहशतवाद मूवी में मैं फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ। किस तरह का रोल आपको? मैं एक माँ के किरदार में नजर आऊँगी। नमस्कार, मैं आदर्श शिंदे। आज एका फिल्मचं रेकॉर्डिंग झालं, गणपती बाप्पाचं गाणं आहे, खूप इमोशनल फिल्म आहे, खूप चांगली फिल्म होती आहे, खूप सुंदर गाणं बाबा जागीदार यांनी केलं आहे आणि आज मला खूप आनंद झाला की मीही या फिल्मचा एक भाग आहे। सो माझ्या या फिल्मला खूप खूप शुभेच्छा, थँक्यू। दहशत ही माझी पहिली मराठी मूवी आहे। माझं नाव हिरेश गिरकर, मी ह्याच्यात ॲज अ डायरेक्टर म्हणून काम करत आहे। ह्या पिक्चरचा कन्सेप्ट थोडासा नॉर्मली आतंकवादावर आहे। आतंकवादाच्या भोवऱ्यातून जी काही भीती निर्माण झालेली आपल्या आज समाजात, आपल्या भारत देशात, आज पूर्ण जगभरामध्ये, तर ही भीती पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी ह्या पिक्चरच्या माध्यमातून आम्ही लोकांपर्यंत हा संदेश पोचवत आहे। शक्यतो ह्याच्यामध्ये आपले बाल कलाकारांचं महत्त्वाचं योगदान आहे ह्या पिक्चरला वर आणण्यासाठी। प्लस ह्याच्यामध्ये आत्ता जे आपण पाहिलं की गणपती गणरायाचं गाणं आहे, त्याच्यामध्ये चांगल्यासा जोश या पिक्चरच्या माध्यमातून आपण देऊ शकतो। आणि नॉर्मली हे गाणं आपल्या आदर्श शिंदे यांनी खूप चांगल्यारीते यांनी परफॉर्मन्स दिलेलं आहे गाऊन गाण्याचं, आणि खरंच ही मूवी फार छान आहे आणि यातून चांगले ॲक्शन्स आणि आपल्याला चांगल्या प्रकारे इमोशन्स आणि ड्रामा आहे याच्यामध्ये, एन्जॉय कराल अशी मी आशा करतो। आणि मी खतरनाक दहशतवाद या पिक्चरमध्ये प्रथम काम करत आहे, तर या पिक्चरमध्ये सर्वपण बोलले त्याचप्रमाणे हा खूपच छान मूवी आहे, लहान मुलांचं पण योगदान आहे आणि मी पण इथे पहिल्यांदाच काम करते। आणि फिल्ममध्ये खूप साऱ्या गोष्टी आहेत जशा आजकाल घडतात किंवा आपल्या मनात जी भीती आहे त्याबद्दल एन्जॉय पण करू शकाल आणि सगळं काही संवेदनशील पण आहे, सगळं काही चांगलं आहे या फिल्ममध्ये। दोनों सेम कपड़े हैं, चलेगा प्रोड्यूसर है जुड़वा। मोबाइल साइलेंट पर कर लो भाई, शुरू करो। आप लोग अपना नाम बता दीजिए और कैसे इस फिल्म से जुड़े हुए हैं बताइए। शुरू करो भाई। मेरा नाम सूरज मौर्य है, मैं इस फिल्म में को प्रोड्यूसर हूँ। बस एक आप बताइए। सर मेरा नाम नीरज कुमार जायसवाल है, मैं इस फिल्म में अपना सहयोग के तौर पे जुड़ा हूँ। अपना को प्रोड्यूसर, अपना टीम है जो हम इसको आगे ले जाना चाहते हैं, मिलजुल के कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं सर और इसको करेंगे आगे तक। आप बोलिए। मैं प्रहलाद चौधरी, ये मेरी फिल्म जो मराठी में पहली फिल्म है, बाकी इससे पहले हिंदी कर चुका हूँ
और इसमें जो है सहयोग जो भी हो रहा है वो हम लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मिलजुल के जो भी है कर रहे हैं इसमें, को प्रोड्यूसर में इसमें आ रहा है हमारा नाम है। हम लोग अच्छी तरह से इसको बनाएंगे और पब्लिक के बीच में प्रेजेंट करेंगे, हम चाहते हैं पब्लिक इसे इन्जॉय करें। इसकी शूटिंग तकरीबन करेंगे एक महीने नेक्स्ट मंथ में शुरू करेंगे, और बाकी हम लोग अच्छे से जुड़ के जो कि करना चाहते हैं, कुछ लोगों के बीच में लाना चाहते हैं अच्छे से, ताकि पब्लिक जो इन्जॉय खूब करे इस फिल्म से। और ये आतंकवाद के ऊपर फिल्म है, दहशत, ये ख़तरनाक दहशत इसका फिल्म का नाम है। और बाकी जो है कि स्क्रिप्ट इसकी बहुत अच्छी लिखी गई है, अभी बाकी जो मेकिंग के ऊपर है हम लोग मेकिंग भी अच्छे करके देंगे ताकि पब्लिक को अच्छा लगे। Hi, it's okay. Yeah, myself Tejas Singhu and I'm a co-producer of this film. And Hiresh Girgar, जिन्होंने एक पहले मुझे एक स्क्रिप्ट दी थी इससे पहले, जिसे हमने पढ़ा था, वर्कआउट किया, बट वो अनलकीली हो नहीं पाया, एंड फाइनली अगेन वी कम अप विद द न्यू स्क्रिप्ट एंड नरेट किया, अच्छा लगा हमें। हिंदी में चलेगा? हाँ, तो हिंदी में ही बोल देता हूँ सर, कि उन्होंने मुझे जो सुनाई वो स्क्रिप्ट सेकंड के, जो दहशत खतरनाक है, जो एट प्रेजेंट हॉट टॉपिक है, कि भाई समझ सकते हैं कि भाई आज के देश में, मतलब आज के दिन में ये सब एवरीडे क्या क्या हो रहा है हमारे देश में, मतलब आए दिन टेररिस्ट अटैक के बारे में कुछ ना कुछ हमें नई या पुरानी खबर सुनने को मिलती है। तो बेटर है कि भाई कि क्यों ना ये कॉन्सेप्ट एक हम बनाए, एक मूवी, एक मैसेज लेके आए, एंड होपिंग फॉर द बेस्ट के हीरेश जी ने जो लास्ट टाइम बताया था कि उनका जो प्रोजेक्ट है, तो क्यों ना हम इसको पुश करें, हम आगे लेके जाए। तो हमने ये प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ा वर्कआउट किया, वी मेक अ टीम एंड सब पूरी नई टीम है, होपिंग फॉर कि ये टीम कुछ अच्छा आउटकम दे एंड डेफिनेटली अच्छी लगेगी आपको ये फिल्म। ड्रामा भी अच्छा है, इमोशंस है, थोड़ा एक्शन भी है, एंड होप के यू विल गाइस एंजॉय, आपको अच्छा लगेगा, एंड जय महाराष्ट्र। थैंक यू क्या कहना चाहेंगे आप, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शिवशंकर गुप्ता है, मैं पहली फर्स्ट मराठी मूवी कर रहा हूँ। इसके पहले मैं एक हिंदी फिल्म कर चुका हूँ जो कि ऑलरेडी वो रिलीज पे है, और ये कंसेप्ट एक आतंकवाद के ऊपर है, और इसको जो दहशत, हमारी फिल्म का टाइटल है खतरनाक दहशत, ये बच्चों के ऊपर आधारित है। बच्चों के अंदर जो दहशत, बड़ों के ऊपर, बच्चों के ऊपर जो भी आतंकवादियों का दहशत रहता है, वो दहशत को दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि ये कैसा कम किया जाए, अपने आत्मविश्वास से लड़े, पुलिस हो या कुछ भी हो, उससे पहले अपना विश्वास क्या है, अपने विश्वास से, जज्बा से खुद लड़े। पुलिस का इंतज़ार कब तक करेगा आदमी, तब तक आतंकवादी कुछ भी करके जाए, इससे अच्छा कि संघर्ष खुद करना है। इस प्रोजेक्ट से हम एक मैसेज दे रहा हूँ और एक अच्छी फिल्म दे रहा हूँ मार्केट में। जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं हीरेश किरकर करके, उनसे हमारी दोस्ती हुई और हमने प्लानिंग किया कि मराठी फिल्म करेंगे, और गणपति बप्पा का एक गाना भी रखे हुए हैं जो कि आदर्श शिंदे जी गाए हुए हैं अपनी आवाज़ में, मधुर आवाज़ में उन्होंने अपनी आवाज़ दिया है। और मैं एक, मतलब मैं एक उत्तर भारतीय हूँ, लेकिन मेरी जो, मैं यहाँ काफ़ी दिनों से रह रहा हूँ, मेरी भी कुछ इच्छा थी कि मैं भी महाराष्ट्र में रह रहा हूँ, कुछ मराठी लोग के लिए हम कुछ अच्छा, मतलब कुछ अच्छा प्रोजेक्ट करूँ, अच्छी सोच, मतलब जो उत्तर भारतीय और मराठी का एक मुद्दा होता है, उस मुद्दे को मैं सोचता हूँ कि मराठी या उत्तर भारतीय में कोई ऐसा वो नहीं है। मराठी हमारी यूपी, उत्तर प्रदेश या यूपी, बिहार जो भी है, हमारी मातृभूमि है, हमारी कर्मभूमि है। इससे मुझे, मतलब जो भी हमें महाराष्ट्र में बहुत कुछ मिला, और मैं भी चाहता हूँ कुछ महाराष्ट्र के लिए मैं एक अच्छी चीज़ करूँ, और मेरी ये सोच थी मैं अच्छा कुछ कंसेप्ट ऐसा मार्केट के सामने लाऊँ। इसलिए सिद्धिविनायक, मैं सिद्धिविनायक में 10-12 साल से रह रहा हूँ, और उनकी कृपा है कि मैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ। इसलिए मेरी इच्छा थी पहला मैं गाना गणपति के ऊपर रखूँ, और ये इच्छा पूर्ण हुई। हमारे गीतकार ओम जी और डायरेक्टर साहब हीरेश किरकर, बाकी हमारे सहयोगी, काफ़ी लोगों का सपोर्ट है, और गणपति बप्पा की कृपा रही, एक अच्छी फिल्म मार्केट को जा रही है। जो मेरा लोगों का ये कहना है कि उत्तर भारतीय यहाँ आके, उत्तर भारतीय आए, मेहनत कर रहे हैं, भगवान की कृपा है, यहाँ सम्मान मिला, मराठी लोगों ने इज्जत दिया,
लोग तो अपने घर में नहीं देते जगह, लेकिन यहाँ तो हमको रहने को जगह मिला, सब कुछ मिला, मान मिला, सम्मान मिला। आज मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि जो फासला, जो कमियाँ है उत्तर भारतीय मराठी के लिए, मैं वो सोचता हूँ कि मेरे हिसाब से अच्छा हो। ये सब कोई राजनीतिक तत्व नहीं है, मेरा एक मेरी दिल तमन्ना है जो भी मैं बोल रहा हूँ, बस मेरा एक अच्छे मतलब मैं यहाँ हूँ, लेकिन भैया मराठी मेरा सबसे अच्छा संबंध है, इसलिए एक मैं अच्छी प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण सिन्हा जी हैं, कुछ बोलेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, डायरेक्टर ए बी मोहन और आर्टिस्ट प्रथमेश जी, बाकी सब बोलिए सर। मैं कल्याण सिन्हा, ये बहुत अच्छी मूवी है, इसका एक जो इसकी सोच है ये दिखेगा आगे चल करके। इसमें सारे लोग काफ़ी अच्छे अच्छे लोग जो जिनका अच्छा नाम है मार्केट में और जिन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ें दिया है अभी तक, तो ऐसे लोगों को जोड़ा गया है। और जब ये फिल्म बनकर तैयार होगी तो खुद ब खुद वो लोगों के सामने आ जाएगा कि कितनी अच्छी मूवी है, और फिर लोगों को काफ़ी इंटरटेन करेगी ये मूवी। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बस समय समय का इंतज़ार करिए, बस आगे आगे बोलेंगे ये लोग, सब काफ़ी बोल दिया गया। हेलो, मैं अभी मोहन, बोलिए सर। आपने सुना ही फिल्म के बारे में, मैं इनके साथ दूसरा नेक्स्ट मूवी भी एक ये कर रहे हैं रक्तपात, जिसे मैं राइट कर चुका हूँ ऑलरेडी, और उसका भी काम शुरू है, तो इन लोगों के साथ ही कर रहा हूँ। ये फिल्म के बारे में और रितेश जी के बारे में जितना लोग सुना है जाना है, ही विल डू समथिंग वेल, थैंक यू। और सेकंड प्रोजेक्ट हम भोजपुरी फिल्म ए बी मोहन जी के साथ में कर रहा हूँ, गैंग रक्तपात द गैंगस्टर, जो कि एक सामाजिक मुद्दा दिखाया गया है, वो भी सत्य घटना पे आधारित है, और एक अच्छी फिल्म बना रहा हूँ, वो भी आर्टिस्ट मार्केट के काफ़ी बड़े लोग हैं, आगे से रहते हैं, और ये अच्छा मैसेज जो उस प्रोजेक्ट से भी जाएगा। सेकंड प्रोजेक्ट जो है हमारे यहाँ भोजपुरी है, ये पहला मराठी कर रहा हूँ, इसके बाद इसको। माझं नाव आहे प्रथमेश देवधर। आता गुप्ताजींनी जे सांगितलं की ही स्टोरी एका दहशतवादीवर आहे, आतंकवाद्यांवर आहे, तर हा खरंच खूप वेगळा विषय आहे, पहिल्यांदा मला हा विषय करायला मिळतो आहे, आणि माझं कास्टिंग झालं आहे ते फक्त या सरांमुळे झालं आहे। ह्याचे राकेश कोरी, दीपक गंगाळे गुप्ताजी ह्यांनी मला खूप साथ दिली, आणि मला खात्री आहे की ते तसे पुढे पण साथ देतील मला, त्यांनी आज मला एक मराठी पिक्चरमध्ये घेतलं आहे, पुढे मला नक्की ह्यांच्यामुळे काहीतरी मोठा बनायला मिळेल, हे मला काहीतरी चांगले दिवस दाखवतील, थँक्यू सर। हाय, मेरा नाम अमृतास मिश्रा है। मराठी इंडस्ट्री में एक पहला ऐसा सॉन्ग आ रहा है जिसमें हिंदी रैप आ रहा है, और ये गणपति जी के ऊपर गाना है। सर ने पहली अपॉर्चुनिटी दी मेरी लाइफ की पहली फिल्म में, और बहुत अच्छा सॉन्ग है जिसे आदर्श सर जी ने गाया, और आई होप कि गाना आप सबको भी पसंद आए, और हमारी कोशिश है कि हम इसे हिट करेंगे। क्या अच्छा गीत को रैप, तो उसके रैप के मैं कुछ लाइन से आपको सुनाऊंगा। सबके दिल पे नाम तेरा, बच्चा बच्चा फैन तेरा, हर कोई तेरे आगे झुकता, तू सबका करता धरता, मोदक तुझे लगता प्यारा, सब पर तेरी छत्र छाया, जो तेरे दर पे आया खाली झोली भर ले गया। थैंक यू। हाय, मेरा नाम रिया शर्मा है, आई एम एक्ट्रेस, और ये फिल्म है दहशत। इस फिल्म में आप लोग देखेंगे कि बच्चों की किडनैपिंग आप लोगों ने सुना होगा कई बार, बट इसमें जो किडनैपिंग है वो किस तरह से बच्चे किडनैप होते हैं या उन्हें किस तरह से बचाया जाता है, ये सिचुएशन से कैसे निकलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी फिल्म में देखने के बाद। काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी रेक्टेंगल आएंगे, काफ़ी सिचुएशन आएंगी, प्रॉब्लम होगी, पुलिस से कैसे लड़ना है, कैसे बच्चों को वापस लेकर आना, उनकी फैमिली से उनको कैसे मिलवाना है, ये सारी चीज़ें आपको फिल्म में देखने को मिलेंगी। तो सो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा फिल्म मिलने के बाद दहशत। आपका किरदार क्या है? मैं एक रिपोर्टर का किरदार कर रही हूँ, देखते हैं उसमें क्या होता है आगे। ठीक है, थैंक यू। और इनके सहयोग से ही फिल्म को हम आगे बढ़ा रहे हैं, सहयोग तो सब लोगों का है, और इनका तो खास करके हमारे घर के जैसे, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस प्रोजेक्ट को लाने के लिए, और बाकी अभी इन्हें यही बताएंगे राकेश जी। इसमें मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, जो भी कुछ प्रॉब्लम है सॉल्व करूँगा, सबके सहयोग जो भी जो बनेगा वो करूँगा। कास्टिंग डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, अच्छे दीपक गंगाड़े।
अभी तक हुआ है इसको किसको कोई एक्टर फाइनल अभी किया है? अभी होगी, चल रहा है, आज एक दो दिन में पूरा फाइनल हो जाएगा। मेन मेन आर्टिस्ट फाइनल हुआ है, बाकी का काम चालू है। ओके, कौन कौन आर्टिस्ट फाइनल हुए हैं अभी? हम लोग इसको सस्पेंस में रखे हुए हैं,